अभी हम BOPP टेप की टेस्टिंग करने चल रहे हैं। BOPP टेप में क्या क्या टेस्टिंग करते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, तो वो हमारे पास गिवेन है। टेस्टिंग में करते हैं एडहेसिवनेस, चिपकता कैसा है, वेट पर पीस, एक पीस का वेट कितना है, कलर क्या है, सेंटर पोजीशन ऑफ प्रिंटिंग, यदि प्रिंटिंग है तो सेंटर में है या नहीं है, विड्थ कितनी है और प्रिंट मैटर क्या है। इतने सारे स्टेप्स हम चेक करते हैं BOPP टेप में। तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स को चेक कर लेते हैं। एडहेसिवनेस चेक करने के लिए जनरली हम ऐसे ही टेप को ओपन करके किसी प्लेन पे चिपका देंगे, स्टैंप लगा के खींचेंगे। इसकी एडहेसिवनेस ओके, ये निकल नहीं रहा है, मतलब हमारे काम का है। काफ़ी ताकत लगाने के बाद ये रिमूव हुआ वहाँ से, एडहेसिवनेस इज ओके। फिर नेक्स्ट टाइम आना वेट पर पीस, एक पीस का वेट कितना है और वो हम देख लेते हैं। वेट लेने के लिए इसको हम वेइंग मशीन पे रखेंगे और वेट जो है 182 ग्राम है, हम इसको नोट कर लेंगे, एक पीस का वेट 182 ग्राम। फिर नेक्स्ट आता है इसका कलर, जो BOPP टेप है उसका कलर क्या है। कलर रेड है तो रेड लिखेंगे, वाइट है तो वाइट लिखेंगे, जिस भी कलर का होगा हम वो कलर मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है। विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम मेजरिंग स्केल लेंगे, मेजरिंग स्केल को इसके एंड टू एंड रख के इसकी विड्थ निकाल सकते हैं। मैंने मेजरिंग स्केल लिया, ये 60 mm विड्थ का टेप है BOPP टेप, इसको भी हम नोट करेंगे। फिर हमारा लास्ट है प्रिंट मैटर, प्रिंट मैटर क्या है और वो सेंटर पोजीशन में है या नहीं, ये हम देख लेते हैं। प्रिंट मैटर देखने के लिए हमने टेप को अपने टेबल पर कुछ इस तरह से चिपका दिया है। अभी प्रिंट मैटर जो है हमारा ड्राई सिर्फ अडल डाइपर कटारिया हाइजिन, ये हमारा प्रिंट मैटर हुआ। अब प्रिंट शीट भी हमको ओके दिख रहा है, प्रिंट मैटर भी ओके दिख रहा है और ये सेंटर लाइन में भी है, सेम तरीके से ही लिखी गई है एक ही स्टेप को फॉलो करते हुए, तो हमको सभी चीज़ ओके दिख रहे हैं, हम ओके लिखेंगे। हम BOPP टेप में इतनी सारी ही स्टेप्स परफॉर्म करते हैं।